गुड मॉर्निंग बच्चों, निकाल जी हिंदी की बुक फोर्थ क्लास की लेसन हमारा चल रहा है सेकंड वाला। क्या नाम है पाठ का? गंगा। क्या नाम है? गंगा। मैंने कल आपको बताया था इसका नाम क्या है, भागीरथी भी है। भागीरथी कैसे पड़ा इसका नाम? ये स्वर्ग में रहा करती थी और भागीरथ नाम के व्यक्ति ने इसको कहाँ लेकर आए थे? पृथ्वी पर लेकर आए थे। तब से इसका नाम क्या पड़ गया? भागीरथी। भागीरथ नाम का व्यक्ति लेके आया था तो इसका नाम तब से क्या पड़ गया? भागीरथी पड़ गया। ठीक है, ये किसकी पुत्री थी? हिमालय की। गंगा नदी के बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा, जानते हो गंगा के बारे में। कई बार किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी अस्थियों को हम गंगा जी में बहाने के लिए लेके जाते हैं, तो उनकी अस्थियों को वहाँ छोड़ने के लिए जाते हैं। तो कहा जाता है कि वहाँ जाकर वो सब कुछ पवित्र कर देती है। वह नदी क्या है? एक पवित्र नदी के रूप में उसको माना गया। अनेक पौराणिक कथाएं भी उसके लिए प्रचलित हैं। देखिए इस सेशन में क्या बताया गया है। भारतीय संस्कृति में अनेक ऐसी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जिनका वास्तविक स्वरूप आज भी हमारे जीवन पर पूर्णतः दृष्टिगोचर होता है। कई बार हमें अपने माता पिता, अपने दादा दादी हमें गंगा के बारे में कहानियां बताते रहते हैं, वो आज भी क्या है? प्रचलित है। देश की सबसे पवित्र नदी के अवतरण और उसकी महत्ता का वर्णन इस पाठ में दिया गया है। उसका महत्व और उसका वर्णन इस लेसन के अंदर दिया गया है। गंगा को हिमालय की पुत्री कहा गया है। गंगा को क्या कहा गया है? हिमालय की पुत्री। किसकी पुत्री थी वो? हिमालय की। यह पहले कहाँ रहती थी? स्वर्ग में। इन्हें पृथ्वी पर राजा भागीरथ लेकर आया था। कौन लेकर आया था? राजा भागीरथ लेकर आया था। तब से इसका नाम गंगा को और क्या कहने लगे? भागीरथी कहने लगे। भागीरथ राजा सगर के वंश में पैदा हुए थे। भागीरथ राजा किसके वंश में पैदा हुए थे? सगर के वंश में। सूर्यवंशी राजा सगर बहुत ही बलशाली, धर्मात्मा, गुणवान और बुद्धिमानी राजा थे। सूर्यवंशी राजा सगर, सूर्य वंश के राजा सगर तो कौन से वंश के थे? सूर्य वंश के। और भागीरथ कौन से वंश के थे? सगर वंश के। ठीक है, सूर्यवंशी राजा सगर बहुत ही क्या था? बलशाली था, धर्मात्मा था, गुणवान था और बुद्धिमान था। शत्रुओं को पराजित करके उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। कहा जाता है कि उनके 60,000 एक पुत्र थे। शत्रुओं को पराजित करके उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। किसने? सूर्यवंशी सगर ने। सूर्यवंशी राजा सगर ने क्या कर लिया था? संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया था। कहा जाता है कि उनके 60,001 पुत्र थे। 60,001 किसके पुत्र थे? सूर्यवंशी राजा सगर के पुत्र। वे हमेशा धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते थे। 60,001 जो पुत्र थे वो क्या करते थे? जो धार्मिक कार्य किया करता था सूर्यवंशी राजा सगर, जो धार्मिक कार्य किया करता था उन सब में क्या करते थे? ये सारे के सारे पुत्र क्या करते थे? उन धार्मिक कार्यों में विघ्न डाला करते थे। उनके बुरे व्यवहार से ऋषि मुनि और देवतागण भी क्या हुए? दुखी हो गए। सभी देवता ऋषि मुनि सब क्या हो गए? दुखी हो गए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। राजा सगर ने किसका यज्ञ आयोजन किया? अश्वमेध यज्ञ का। देवताओं ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया था। देवताओं ने क्या किया? राजा सगर का जो अश्वमेध यज्ञ के जो घोड़े थे उनको क्या कर लिया गया था? चुरा लिया गया था। उसे पाताल में ले जाकर महात्मा कपिल की कुटिया में, कुटिया के पास में बांध दिया गया था। कौन सी कुटिया के पास में? महात्मा कपिल की कुटिया में के पास में बांध दिया था। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढकर लाने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा से राजा सगर के पुत्रों ने पूरी पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था उस समय उनका घोड़ा क्या था? देवताओं ने क्या कर लिया था? उन्हें चुरा लिया था। वो कहाँ ले गए थे उसको? कपिल की कुटिया के पास में ले जाकर बांध दिया था। तो राजा सगर ने क्या किया? 60,000 पुत्रों को कहा उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को तुम सब ढूंढ कर लाओ। तो उन्होंने क्या किया?
सबको छान मारा, लेकिन वह घोड़ा नहीं मिला। अब वे क्रोधित होकर पूरी पृथ्वी खोदकर पाताल पहुंच गए। कौन? राजा सघर के पुत्र। वहां उन्होंने महात्मा कपिल को देखा, वहीं उनके आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था। राजा सघर के पुत्र का क्रोध क्या हो गया, भड़क उठा। वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, यह तपस्वी नहीं कोई ढोंगी है, इसको पकड़ लो और मार डालो, इसी ने हमारा घोड़ा चुराया है। इसमें आगे की बात हम कल करते हैं, कल इस लेसन में क्या होता है देखते हैं। थैंक यू।